हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीसीसीआई कैसे सिलेक्ट करती है टीम को और उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो गाइस, आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी सिलेक्शन प्रोसेस की, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा जो कि बीसीसीआई का प्रोसेस है। तो गाइस, इसमें बेसिकली तीन स्टेप होते हैं और मैं आपको तीनों स्टेप के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप इसी तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट की जानकारी मिलती रहेगी। तो गाइस, सबसे पहला प्रोसेस है स्कूल लेवल क्रिकेट और कॉलेज लेवल क्रिकेट, क्योंकि अगर आप स्कूल लेवल से अच्छा बढ़िया क्रिकेट खेलना शुरू करोगे तभी आप बड़े लेवल पर खेल पाओगे। अगर आप स्कूल लेवल पर अच्छा खेलोगे तो आप अंडर 16 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिलेक्ट हो सकते हो। तो गाइस, इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। तो गाइस, दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप अंडर 16 पर सिलेक्ट हो जाते हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने लगते हो तभी से आप बीसीसीआई ट्रॉफी खेलने लगते हो और आप बीसीसीआई के अंडर आ जाते हो। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो क्रिकेट एसोसिएशन होती है वो भी बीसीसीआई के ही अंडर होती है, तो आप एक तरह से बीसीसीआई के अंडर ही खेलने लगते हो। तो गाइस, जो प्लेयर बढ़िया खेलता होगा अंडर 16 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी फीडबैक बीसीसीआई को मिलने लगती है कि ये प्लेयर अच्छा कर रहा है और इसे सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारी ट्रॉफियां खेलने को मिलती हैं बीसीसीआई लेवल की और इसमें बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होते हैं प्लेयर। तो गाइस, इसके बाद आता है तीसरा स्टेप। तो गाइस, यही सबसे ज्यादा मुश्किल स्टेप है और इसी में ही सबसे ज्यादा प्लेयर टेस्ट किए जाते हैं ताकि उन्हें अगले लेवल पर खिलाया जा सके। तो गाइस, इस स्टेप में आते हैं अंडर 19 क्रिकेट, बीसीसीआई सीनियर ट्रॉफीज और इंडिया ए, और उसके बाद सीनियर इंडियन टीम। तो गाइस, इस लेवल पर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो एनसीए में सिलेक्ट हो जाते हैं, जहां पर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो अंडर 19 इंडिया टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो अगले लेवल पर खेलने लगते हैं। और कई प्लेयर रणजी ट्रॉफी से भी चुने जाते हैं जो कि बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और गाइस इन्हीं में से इंडिया ए का भी सिलेक्शन होता है। तो गाइस, इंडिया ए का आपने कई बार देखा होगा कि जो भी टीमें बाहर से आती हैं इंडिया के दौरे पर वो कई बार प्रैक्टिस मैच इंडिया ए टीम से खेलती है, तो वही इंडिया ए में सिलेक्शन होता है। तो गाइस, इसके बाद आता है मेन सिलेक्शन जो कि टीम इंडिया का होता है। इसमें सिलेक्टर टीम इंडिया के सीनियर कोच और जो कैप्टन होता है वो मिलकर टीम का चुनाव करते हैं, यानी कि उन्हें क्या चाहिए, बॉलर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, ओपनर चाहिए या अलग जो रिक्वायरमेंट है टीम की, तो उसी हिसाब से टीम का चुनाव किया जाता है। तो गाइस, ये नहीं है कि पूरी टीम बदली जाए। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि टीम इंडिया पूरी की पूरी चेंज हो गई है। एक या दो प्लेयर और ज्यादा से ज्यादा तीन प्लेयर डेब्यू करते हैं टीम इंडिया में, और इसी से ही आगे आगे प्लेयरों को मौका मिलता है टीम इंडिया में डेब्यू करने का। तो गाइस, ये था टीम इंडिया का सिलेक्शन प्रोसेस। तो गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है और टीम इंडिया के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।